मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए ये बात कर रहा हूँ कि भाई जिनके हालात खराब हो वो कभी एक्सक्यूजेज ना दें, क्योंकि वो लोग अगर एक्सक्यूजेज देते रहेंगे तो जिंदगी कभी बदलेगी नहीं, हमको कुछ करना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छे बोलने वाले कुछ लोगों को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। अब आप उसमें कुछ होंगे, कुछ कुछ को अजीब लगेगा कि मैं कौन सा नाम ले रहा हूँ। अच्छा बोलने वालों को मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितने लोगों को पता है, कई हीरो बस यही। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे नहीं हीरो है वो, तो सब तो है मास्टर साहब तो है, पर हीरो के बारे में फिक्र करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि मैं उनकी हीरो की वो सिफत के बारे में नहीं बोल रहा। आप घर जाए और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी मोटिवेशन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मोटिवेशनल स्पीच, ये आप यूट्यूब पर जरूर दें सब, और पूरी आधे घंटे की वो स्पीच या 35 मिनट की वो स्पीच लफ्ज़ पर लफ्ज़ सुने, जिंदगी बदलेगी और इंशाल्लाह बदले। उन्होंने उसमें अपनी जिंदगी की उन सच्चाइयों को का जिक्र किया बहुत तफसील से कि मैं सांवला या काला दिखाई देने वाला एक शख्स इल्मी दुनिया में एंट्री करने के लिए आता है और वहां पर अपनी जद्दोजहद अपनी भाग दौड़ करता है और 20 बरस तक करता रहता है। आपने आमिर खान की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, देखी जब मैं फिल्में देखने पर नहीं उठा रहा हूँ, मैं सही चीज की तरफ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखे होंगे सरफरोश किसने, बहुत मामूली से आदमी का रोल करने वाला एक्टर जिसको कोई पहचान का नहीं था, उसको बाद में उसको बहुत बड़े हीरो का किरदार करने लगे, तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत, कितनी लगन, कितनी जस्तजू, कितना उसका डिटर्मिनेशन रहा होगा, उस बात को आप जान पाते। एक शख्स जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पीछे कोई उसका खानदान नहीं है, बल्कि वहां अपोध है कि वो फिल्म में काम नहीं करे, तो यकीन तौर पर अब मैं आपकी असली जिंदगी से उसको जोड़ता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं कि हमारा आईएएस का नहीं है कोई बैकग्राउंड, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट अफसर भी नहीं है हमारे फैमिली में, लेकिन हम वो शख्स हो सकते हैं जो हमारी फैमिली के, हमारे खानदान के, हमारे पूरे रिश्तेदारी के, यहाँ तक कि हमारी पूरी कौम के पहले शख्स बन सकते हैं। और वो कैसे बन सकते हैं, अज्म के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, अपने एक पूरे पूरे अर्थ पूरे इरादे के साथ पक्के कि हम अब उतर के ही कमें।